आज मैं आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी। ये रिव्यू एक होम क्लीनिंग के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू और डेमो। आज मैं आपको स्पोर्ट जीरो बाय मिल्टन का एलाइट स्पिन मॉप का रिव्यू दूंगी। इसे हम सिंपल वर्ड में मैजिक मॉप के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेस किया है। चूंकि मुझे एक अच्छा मैजिक मॉप चाहिए था, तो मैंने काफी सर्च किया, इसे मैंने सेलेक्ट किया अमेजोन से और इसे परचेस किया है। तो इसका आज मैं आपको रिव्यू और डेमो दूंगी साथ में और इसका MRP और परचेस प्राइस भी बताऊंगी। तो चलिए इसे हम अब शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये स्पॉन्सर या फिर प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी प्राइस। इसकी MRP प्राइस 1749 रुपीस है। ताकि इसके बॉक्स में ये प्राइस बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है MRP प्राइस, ये बस मिल्टन का बॉक्स है और मुझे ये डील प्राइस में मिली है 989 रुपीस में। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये पन्नी में इस तरह से दो मैनुअल दिया हुआ है, जिसमें से एक वारंटी कार्ड है और दूसरा है यूजर मैनुअल, जिसमें बताया गया है कि किस किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं प्लस कैसे यूज करते हैं। और इस वारंटी कार्ड में इसमें चार टाइप्स के आते हैं, जैसे कि पहला है कॉम्पैक्ट स्पिन मॉप, दूसरा है इनलाइट स्पिन मॉप, तीसरा है क्लासिक स्पिन मॉप और चौथा है स्मार्ट स्पिन मॉप। मैंने यहाँ पे इनलाइट स्पिन मॉप को ऑर्डर किया था, तो मैं आज इसका आपको रिव्यू दूंगी। और ये वारंटी कार्ड सिर्फ मैकेनिकल डिफेक्ट्स पे ही अप्लाई होगा, जैसा कि इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है, विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ये यहाँ पे पीछे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, तो इसे फॉलो करते हुए ही इसमें वारंटी कार्ड अप्लाई होगा। और ये जो वारंटी कार्ड है, इसमें इस स्पिन मॉप की एक साल की वारंटी है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इसकी। और ये जो यूजर मैनुअल है, जिसमें बताया गया कि ये ड्राइंग बास्केट है जो आपको मॉप एक्स्ट्रा जो वाटर है वो ड्राई करेगा, और दूसरा है वाटर बकेट जिसमें आपको पानी या फिर फ्लोर क्लीनर को डालना है, और तीसरा है हैंडल विद कॉन्टैक्ट डिस्क, और चौथा है किस तरह से हमें रिफिल मॉप को ऐड करना है, और ये लॉक और अनलॉक करने का तरीका, और किस तरह से हमें रिफिल मॉप को क्लीन करना है और रिंग करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमें दो रिफिल मॉप मिली है, एक के साथ एक एक्स्ट्रा मिली है हमें। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मुझे, तो ये मैं आपको बाद में ओपन करके दिखाऊंगी। अब हम इस मैजिक मॉप को निकाल लेते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, जो कि काफी मजबूत लग रही है। और ये इसके साथ डिस्पेंसर दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है इसकी, जिसमें कि आप फ्लोर क्लीनर या फिर डेटॉल डालकर फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। और इस तरह से इसका एक सांचा बना हुआ है, और इस तरह से आप उसमें प्रेस करते हुए वाटर में यूज कर सकते हैं, और इसे आप सांचा में इस तरह से डालकर रख सकते हैं। तो और ये इसका ड्राई करने के लिए मॉप को, जो कि काफी अच्छा है, हैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से आप इसे कैरी भी कर सकते हैं एक रूम से दूसरे रूम के लिए। और ये इसमें दो व्हील्स भी साथ में दिए हुए हैं, जिससे कि आप इसे स्क्रॉल करके भी ले जा सकते हैं। और ये यहाँ पे एक नॉब बना हुआ है, आपको ये नॉब इसलिए बना हुआ है कि जैसे कि आपको इसका बकेट है, इसको आप उठा के पानी डालना नहीं होगा बाहर निकालने के लिए, आपको सिंपली नीचे से नॉब को खोल देना होगा और सारा पानी इससे बाहर आ जाएगा। तो ये भी इसकी काफी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे, तो ये इस तरह से मैं इसे बंद कर देती हूँ अभी। और यहाँ पे आप जो रिफिल मॉप है उसे आप क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद आप ड्राई करके मॉपिंग कर सकते हैं, और पानी आपको इसमें हाफ भरना है। और इसके बैक साइड में इस देखिए, इस तरह से फोर ब्लैक रबर के बटन्स दिए हुए हैं, ये एंटी स्लिप का काम करेगा, ये फ्लोर में स्लिप नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा। और ये इसके साथ एक स्ट्रिंग वाला हैंडल दिया हुआ है, जिससे कि आप व्हील को ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें दो ये बना हुआ है, इस तरह से आपको सिंपली इसके सांचे में एंटर करना है, तो इसे आपको हल्का प्रेस करते हुए अंदर की तरफ इस तरह से लॉक कर देना है। तो ये देखिए, ये हमारा अब लॉक हो चुका है। तो ये क्या है कि आपको सिंपली इस तरह से हैंडल को उठाना है, और आपको कहीं भी आप मॉपिंग के लिए किसी भी रूम में ले जाना, आप आराम से इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं। और इसके व्हील्स भी बने हुए हैं, तो बहुत ही आसानी से ड्रैग होके आप चला जाता है। और इसका जो हैंडल है वो स्ट्रिंग है, तो इसमें आप आसानी से, जब आप यूज नहीं करें, तो आसानी से ये फोल्ड होके बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो आपको कहीं से भी चोट लगने की भी डर नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आप सिंपली कहीं भी तरह से टान कर ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये काफी आसान प्रोसेस है, जैसे किसी बहुत सारे घर में होते हैं जिसको कमर में दर्द वर्द होता है, तो वो भारी सामान नहीं उठा पाते हैं, तो इस तरह से इसमें ड्रैगिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे हैंडल जोड़ लेते हैं। तो हैंडल में हमें दो भाग मिला है और एक डिस्क मिला है, तो इसमें हम रिफिल मॉप भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम रॉड को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें चाबी जैसा बना हुआ है लाइनिंग, तो इसे हमें इस भाग में रोल कर लेना है। तो ये देखिए, तो ये स्टील का रॉड है जो कि काफी मजबूत है, इस तरह से हमें बिल्कुल टाइट
लॉक कर लेना है। तो ये हमारा रॉड बिल्कुल जुड़ चुका है और नीचे यहाँ पे लॉक दिया हुआ है देखिए, जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा रॉड और बाहर निकल जाएगा, ताकि आपको अगर बेड के नीचे पोछा लगाना हो या फिर सोफे के नीचे तो वो काफी हेल्पफुल होता है। तो अब हम डिस्क को रॉड में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो ऊपर नॉब वो हम खोल लेंगे, ये देखिए दो पार्ट्स में हो गए हैं। अब हम इसे रॉड में ऐड कर लेंगे। हमें इसको नीचे की तरफ ऐड करना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ऊपर हैंडल पकड़ने के लिए है और हमें उसके बिंग के बेस की तरफ इसे लगाना है। और इस तरह से हम डिस्क को लगाएंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा रॉड को निकाल लिया है लॉक को अनलॉक करके। ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल टाइट लगा लेना है। तो ये हमारा अच्छे से फिट हो चुका है। ये जो लॉक और अनलॉक सिस्टम है, ये सभी अलग अलग मैजिक मॉप में अलग अलग तरीके का लॉक सिस्टम आता है। इसमें इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह से आप इसका रॉड छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे इसका लॉक को हमेशा अनलॉक करके ही करना है। अगर आप एक बार लॉक कर देंगे तो रॉड बिल्कुल उस जगह से हिलेगा नहीं। अब हम इसमें रिफिल मॉप जो हमें मिला है वो हम ऐड करेंगे, जिससे हमें घर का पोछा लगाना है। तो ये देखिए मैं इसे ओपन कर देती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये काफ़ी, इसकी क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही स्पॉन्जी टाइप है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे। ये इसका बैक साइड है, ये हमारा डिस्क में ऐड होगा ये भाव। तो चलिए अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। आप इसे दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो सिंपली इस तरह से आप फ्लोर में रखिए और इसका डिस्क को, ये देखिए यहाँ पे जो नीचे भाग है ये, इसको आपको इसको ऊपर प्रेस करना है। आप चाहे तो इसे हाथ से प्रेस कीजिए, चाहे इसे आप पैर से प्रेस कर लीजिए चारों तरफ से। इसमें एक आवाज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लॉक हो चुका है। देखिए ये हमारा मॉप बहुत ही अच्छे से अब लॉक हो चुका है और ये हमारा बिल्कुल तैयार है मॉपिंग के लिए। और ये जो लॉक सिस्टम है ये देखिए इस तरह से कि रॉड एक्स्ट्रा लेंथ आ जाएगी। और आपको अगर छोटा करना है तो आप लॉक को फिर अनलॉक कीजिए और इसको फिर से छोटा कर लीजिए। तो ये हमारा दो तरीका हो गया और अब हम इस तरह से मॉपिंग कर सकते हैं। और ये सब तरफ से आराम से घूम जाती है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 360 डिग्री भी घूमती है। इस तरह से पैर से भी प्रेस करके इसे सीधा कर सकते हैं और आप मॉपिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप क्लीनिंग के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पहले मॉप को डालना होगा, जिससे कि आपका जो रिफिल मॉप है वो अच्छे से भीग जाए। लेकिन आपको ये जो रोल करना है, ये आपको हमेशा जो लॉक है हमारा उसे ओपन करके ही करना है, तभी ये आपका रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा रोल। तो इसे आप ध्यान रखें कि हमेशा लॉक को खोल ले, लॉक को बंद ना रखें, लॉक को खोल कर ही, इस तरह से खोल कर ही रोलिंग करें, जिससे कि आपका जो अच्छा से जो भी गंदगी है मॉप में वो निकल जाएगा और आप पोछा लगाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो ये मैंने पानी ले लिया है, तो अब हम इसमें लॉक को पहले खोल लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से बिल्कुल 90 डिग्री में, बिल्कुल रॉड सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री में ये प्रेस करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से रोल हो रहा है, इसी तरह से हमें रोल कर लेना है। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। तो ये हमने ये पार्ट भी कर लिया है, तो अब हम ड्राई करेंगे इसे। तो ये देखिए अब हम ड्राई करेंगे। तो ये हमने 90 डिग्री में हमें इसे भी लॉक को ओपन करते हुए इसे हम रिंग करेंगे, जिसमें कि एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा रिफिल मॉप में वो निकल जाएगा। और ये निकल जाने के बाद हमें जो हमारा जो लॉक है वो हमें इसे बंद कर लेना होगा। तो अब हम इसे लॉक कर लेंगे, उसके बाद ही हम पोछा लगा सकते हैं। तो इसे हम अब पोछा लगा लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से लग जा रही है और ये ड्राई भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। और इस तरह से आप लॉक को अनलॉक करके चाहे तो रॉड को छोटा भी कर सकते हैं और फिर आप मॉपिंग कर सकते हैं। और आपको जैसे बेड के नीचे हो गया, सोफा के पीछे हो गया, तो आप उसके लिए रॉड को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और इस तरह से आप डिस्पेंसर में चाहे तो डिटॉल या फिर फ्लोर क्लीनर जो भी लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डेमो था। यूज़ करते वक्त आपको लॉक रखना है और आपको मॉप को क्लीन और ड्राई करते वक्त लॉक को अनलॉक रखना है, ये बात का आप ध्यान रखिए। तो ये हमारा रिव्यू और डेमो था पोर्ट जीरो बाय मिल्टन का एनलाइट स्पिन मॉप के बारे में। मुझे ये प्रोडक्ट ठीक ठाक लगा है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको यही प्रोडक्ट लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। लगभग सारे मैजिक मॉप इसी तरह के काम करते हैं, बस कुछ कुछ अंतर होता है, जैसे कि इसमें व्हील लगे हुए हैं, प्लस इसमें ड्रैगिंग के लिए हैंडल्स दिए हुए हैं, लिक्विड डिस्पेंसर दिया हुआ है। तो ये दो चार चीज इसमें अच्छे थे, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया अमेजोन से। आप चाहें तो कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं इसका। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जिस तरह का डेमो दिया है कि किस तरह से इसका यूज़ करते हैं और किस तरह से इसका प्रोडक्ट को फिट करते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।